आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बस मेरी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो रहा है, दो क्लासेस मैं ले चुकी हूँ। थोड़ा सा ब्रेक हुआ, उसमें मैंने खाना खाया, गेहूं की दाल बनी थी और चावल खाया, चावल गर्मा गर्म उसी समय बनाए। और बस अब क्लास की तैयारी हो रही है, टाइम है, न्यू चैप्टर शुरू करना है। ऊपर से मौसम इतना ख़राब हो रहा है, धूप नहीं आई, बहुत ठंडा हो रहा है, मेरे इतना हेडेक हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, और थोड़ा कोल्ड भी हो गया है, अजीब सा ही हो रहा है। और बच्चों ने मुझसे कल कहा था हमारे लिए फ्रूट क्रीम बनाओ, तो मैंने फ्रूट क्रीम बनाई थी, थोड़ी सी वीडियो बनाई है उसके साथ में आपको शेयर कर दूँगी। तो चलिए फिर मैं ऑनलाइन क्लास के लिए गूगल मीट के थ्रू एक्टिव होती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं बना रही हूँ फ्रूट क्रीम। इसमें लिया है मैंने बनाना, पोमग्रेनेट, ग्रेप्स एंड एप्पल, एंड ले रही हूँ अमूल क्रीम। पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैं थोड़ी डालूँगी आइसिंग शुगर, आप चाहें तो किसी भी चीनी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं अब अवेलेबल है आइसिंग शुगर, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बस फटाफट बन जाएगी फ्रूट क्रीम। यह है आइसिंग शुगर, बस मैं इसमें ऐड करती हूँ। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा। मेरे बच्चे ज़रा मीठा ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो मैं लगभग 2.5 चम्मच के आसपास ही डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, जिस कलर का आप क्रीम बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं बना रही, मैं वाइट ही बना रही हूँ। चाहूँ बच्चों ने कहा तो हो सकता है मिक्स भी कर दूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं एक पैकेट का ही बना रही हूँ, क्योंकि इवनिंग टाइम भी है, ज़्यादा मैं नहीं खिलाऊंगी फ्रूट्स, बहुत लेट खाने भी नहीं चाहिए, पर फटाफट बनता है इसलिए मैं आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगेगा, फटाफट जो ये फ्रूट क्रीम है वो तैयार हो जाएगी। ये आइसिंग शुगर मिक्स हो गई है, मैं इसमें ये फ्रूट्स डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारी फ्रूट क्रीम हो गई है तैयार। तो थोड़ी सी हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं, थोड़ी सी डालते हैं इस पे हम रेनबो बॉल्स, लुक अच्छा आता है। तो देखिए डिलीशियस टेस्टी माउथ वाटरिंग फ्रूट क्रीम इज रेडी। मिंत्रा के थ्रू मैंने ये बूट मंगाए थे, कंफर्टेबल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा शेयर करती, वैसे इसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी, फिर मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी कंफर्टेबल अच्छे हैं। वैसे मैंने दो बूट और लिए थे, एक अमेज़ॉन के थ्रू मंगाए थे और एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, एक और रेड कलर के मैंने बूट मंगाए थे। मेरी क्लास हो गई है और बड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रही है, इंडक्शन में यूज़ नहीं कर सकती, वरना मैं सोची थी चाय बनाऊँ, फिर मैंने कहा चाय कोई बात नहीं, चाय नहीं गजक खा लेती हूँ, कल मैं ये गजक लेकर के आई थी, आजकल जाड़ों में बहुत अच्छी लगती है। और देखिए मेरी फिर से पित्ती उछल गई, यहाँ पर सूजन आ गई है, मुँह फूल सा गया है, पता नहीं क्यों जाड़ों में कई चीज़ें होती, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो गई, मौसम बदलना हो गई, या टेंशन, कितनी चीज़ें होती जिसकी वजह से हम लोगों की मतलब खून में शायद खराबी आती है और ये पित्ती उछलती है। वैसे मैं आजकल ये हरिद्राखंड का सेवन कर रही हूँ, बहुत अच्छा होता है। मेरी आपको मैंने बताया ही था कि मेरी जो कहते हैं छोटी सिस्टर है CMO है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उसने मुझे बताया था कि हरिद्राखंड अच्छा होता है, तो मैं आजकल सुबह शाम हरिद्राखंड ले रही हूँ। लेकिन अभी है कि आयुर्वेदिक में तो समय लगता है, तो हमें एलोपैथ करना ही पड़ता है, तो लीवोसिटीजन मैंने आज भी खाई। और ठंडा मौसम बहुत हो रहा, धूप निकलने रही, फिर कुछ खाने का मन करा तो मैं गजक लेकर गजक खाने में लगी हुई हूँ, मैंने कहा चलो खा ही लेती हूँ। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अभी दिव्या के यहाँ गए थे पड़ोस में, नहीं आ गए हैं, इसका मतलब वो नहीं है, तभी वो लोग आ गए। और थोड़ा सा मुझे नोट्स बनाने हैं इकोनॉमिक्स के, बनाऊंगी, मांग पढ़ा रही हूँ मैं आजकल, आज से मतलब न्यू टॉपिक शुरू करा है प्रभावपूर्ण मांग, तो उसका डायग्राम और तालिका वगैरह बनानी है जो बच्चों को कल मैं सिखाऊंगी, तो मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों से, अब उसके बाद फिर मैं वो बनाती हूँ मतलब डायग्राम तालिका। और इन्वर्टर मैंने रात को हीटर चलाया था, तो मैंने इन्वर्टर ऑफ कर दिया था, ये देखिए क्या कहते हैं जो इन्वर्टर बल्ब होता है वो भी अच्छा खासा चलता है, जबकि लाइट नहीं है, चार्ज हो जाता है वो चलते हुए, क्योंकि इस रूम में थोड़ा सा डार्कनेस है ही, तो पढ़ाई क्लास लेते हुए मैं जलाई देती हूँ, रॉड भी जला देती हूँ और ये जला देती हूँ, जबकि लाइट नहीं है, लेकिन इन्वर्टर बल्ब से काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही थी, कम भी नहीं आ रही है। बस वही रूटीन वर्क, डेली का काम चल रहा है, बसंती आ चुकी है, काम वाम निपट गया है सारा, और बाहर निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा। बस मैं नोटबुक लेने के लिए गई थी जरा चौराहे तक, बच्चों के लिए लेनी थी, उनकी जो मैं घर में काम कराती हूँ
पूरी हो गई थी, मतलब फुल हो गई थी, तो मैंने कहा कि हिमाद्री को कराऊंगी प्रैक्टिस ABCT इन सब चीज़ों की, फिर उसके लिए लेती तो गर्व के लिए भी ले लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।